दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए, तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं, आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स, सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम द्विज गोयल है और मेरी इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 71 रैंक आई है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। आज मैं GS2 की स्ट्रेटेजी आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर हम GS2 का सिलेबस देखें तो वो ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्वालिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर हम लोग क्वालिटी का सिलेबस देखें तो उसके लिए मैंने रिसोर्सेज में लक्ष्मीकांत फॉलो किया, उसके साथ साथ मैंने उसमें वैल्यू एडिशन किया क्योंकि लक्ष्मीकांत सफिशियंट नहीं होता है, तो उस वैल्यू एडिशन के लिए मैंने आतिश माथुर सर के जो मेंस ओरिएंटेड नोट्स होते हैं वो फॉलो किए। उसके साथ मैंने जो कमेटीज़ होती हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई और वो लिस्ट मैंने अपने आंसर्स में यूज़ की। सेकेंड आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है और मुझे लगता है कि GS2 के मार्क्स में गवर्नेंस एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है वेदर यू वुड बी गेटिंग 100 मार्क्स और मोर देन 115 मार्क्स। तो गवर्नेंस के लिए व्हाट आई डिड, मैंने जितने भी टॉपिक्स मेंशन है गवर्नेंस में सब टॉपिक्स की एक लिस्ट बना ली एज पर सिलेबस और सब टॉपिक्स के बारे में दो तीन तीन पेज के नोट्स बना लिए। फिर उसमें मैंने जो कोचिंग मटेरियल अवेलेबल होता है, जैसे कि मैंने ओनली आईएएस का यूज़ किया था, उससे मैंने उसमें एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज ऐड कर दिए, तो मेरे आंसर में थोड़ी यूनिकनेस आ गई और वो यूनिकनेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो यूनिकनेस आपको 1 या 2 मार्क एक्स्ट्रा देती है। तो मुझे लगता है कि वो गवर्नेंस वाला पार्ट मैंने अच्छे से कवर किया, उसके सारे नोट्स बनाए टॉपिक वाइज, उसमें एग्जाम्पल्स केस स्टडीज ऐड की, तो मेरा कॉन्टेंट थोड़ा एनरिच्ड हो गया। अगर मैं थर्ड सेक्शन की बात करूँ तो थर्ड सेक्शन आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैं रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करता था तो उसकी वजह से जो मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था। मैं उसमें मैंने 3 चीज़ें फॉलो की। पहला तो जो न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स आते थे, फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर कि इंडिया वियतनाम के ऊपर आर्टिकल चल रहा था या इंडिया यूएसए के रिलेशंस के ऊपर जो आर्टिकल आ रहे थे, तो मैंने वो आर्टिकल्स में हाईलाइट करके उनकी कटिंग्स अपने पास रख ली थी, वो मैंने लास्ट टाइम में रिवाइज की थी मल्टीपल टाइम्स। सेकेंडली, मैंने जो सिलेबस में मेंशन है टॉपिक्स, जैसे इंडिया के बायलेटरल रिलेशंस, ग्रुपिंग्स और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने सबके ऊपर अपने इंडिविजुअल नोट्स बना लिए एक डिजिटल फाइल में। डिजिटल फाइल का मैंने इसलिए यूज़ किया, मैंने एवरनोट पे बनाए थे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टैटिक और डायनामिक पार्ट दोनों होते हैं, तो स्टैटिक पार्ट हम लिख लेते हैं, डायनामिक के लिए मैं उसमें रेगुलर अपडेट करता रहता था। डिजिटल फाइल में ईजी होता है अपडेट करना, तो डिजिटल फाइल एक मेरे को बहुत काफ़ी यूजफुल रहा इंटरनेशनल रिलेशंस प्रिपेयर करने के लिए। थर्डली, मैंने उसमें जो मेन 665 आता है, कंपाइलेशन आता है ईयर ऑन ईयर, मैंने वो मेन 665 से जो डायनामिक पोर्शन था वो पूरा डायनामिक पोर्शन मैंने वहाँ से कवर किया। विजन का मेन 65 आता है, उससे इंटरनेशनल रिलेशंस का डायनामिक पोर्शन मैंने कवर किया। उसके अलावा मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कुछ फेमस कोट्स या फेमस लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी बुक है द इंडिया वे, तो उसमें कुछ अच्छे पॉइंटर्स दिए हुए हैं, कुछ अच्छी लाइंस दी हुई हैं, वो इजीली नेट पे अवेलेबल है या किसी भी कोचिंग मटेरियल में अवेलेबल होती है, जहाँ से भी एक्सेसिबल हो, मैंने वो कुछ अच्छे कोट्स, कुछ अच्छी चीज़ें निकाल ली थी और वो अपने पास रख ली थी। वो एग्जाम्पल्स के इंट्रो और कंक्लूजन में डालने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और एक एक्स्ट्रा एज देती हैं। इसके अलावा पेपर अटेम्प्ट करना GS2 में स्ट्रेटेजिकली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे 124 मार्क्स में स्कोर कर पाया। हम जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो 9वां या 10वां क्वेश्चन होता है और 19th और 20th क्वेश्चन होता है, तो वो लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और वो रश कर रहे होते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, उसकी वजह से वो क्वेश्चन छूट जाते हैं या उतने अच्छे से नहीं लिख पाते। मैंने क्या किया, मैंने उन क्वेश्चंस को थोड़ा पहले अटेम्प्ट किया, एकदम लास्ट में अटेम्प्ट नहीं किया,
और क्वालिटी के दो क्वेश्चंस जो थे वो लास्ट में अटेम्प्ट किए। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप एक अच्छा आंसर लिखते हो तो वहाँ स्कोर बहुत अच्छा होता है, एक रिलेटिव एडवांटेज होता है आपके पास। तो पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पर भी उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन का सिक्वेंस क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा था, मैं 1 से लेकर 5 तक पहले अटेम्प्ट करता था, उसके बाद 11 से लेकर 20 तक करता था, और 6 से लेकर 10 तक सबसे लास्ट में करता था। लेकिन 9 और 10 क्वेश्चन IR का होता है, तो मैंने 6, 7 के बाद 9, 10 किया और 8 क्वेश्चन बाद में किया, या 6 के बाद 9, 10 करो और 8, 9 बाद में करो। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन है 1 to 10 में जो आपको नहीं आता है या आपको रिलेटिवली कम आता है, तो उसमें तो आपके मार्क्स वैसे भी ज़्यादा नहीं आने हैं, और टाइम आप उसमें बहुत ज़्यादा खर्च करोगे तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाता है, बिकॉज टाइम का क्रंच होता है। तो उस केस में आप जो पहले आता है, IR आपको अच्छे से आता है, तो आप पहले वो अटेम्प्ट कर लो, और 1 या 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं वो एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करो। तो उसमें आप अगर एक अच्छा आंसर नहीं लिख भी पा रहे, एक एवरेज आंसर लिख भी पा रहे हो, तो आपका ओवरऑल स्कोर ज़्यादा सफर नहीं करेगा। तो ये थी मेरी ओवरऑल GS2 की स्ट्रेटेजी। तो मैं बात करूँगा अब GS2 में मैंने आंसर राइटिंग कैसे की। मैंने GS2 की आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले कुछ कोचिंग मटेरियल उठा लिया मार्केट से, टेस्ट सीरीज उठा ली थी उनकी जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। फॉर एग्जांपल मैंने फोरम और विजन के जो पास्ट ईयर पेपर्स थे मार्केट में अवेलेबल थे, मैंने वो उठा लिए और वो मैंने अपने घर पे खुद से बैठ के लिख के उनको स्क्रिबल किया। उससे मेरा कॉन्टेंट डेवलप हो गया और मेरे को कॉन्टेंट डिलीवर करना भी आ गया, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर के साथ वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो सोल्यूशन से कॉन्टेंट डेवलप हो जाता है, और आप स्क्रिबल करते हो उससे आपकी कंटेंट डिलीवरी इंप्रूव हो जाती है। प्लस जो मैंने अपना वैल्यू एडिशन प्रिपेयर किया था फ्रॉम अतीश माथुर बुक और लैंडमार्क जजमेंट्स और कमेटीज से, मैंने वो कंटेंट भी यूज करना सीख लिया उन पेपर्स के थ्रू। इसके बाद मैंने फाइनली एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैं EdSarthi प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ था, तो मैंने EdSarthi प्लेटफॉर्म में अपनी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में वहां पर GS2 के टेस्ट लिखे, वहाँ उससे जो फीडबैक मिला उस पर इम्प्रूव किया और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट भी किया। उसके अलावा मैंने फोरम के कुछ टेस्ट पेपर फुल लेंथ मॉक वो मार्केट से परचेज किए, उसको खुद से लिखा और इवेल्युएट कराया। इसके साथ साथ मैं एक और अच्छा काम करता था, मैं अपने पेपर्स इवेल्युएशन के बाद अपने दोस्तों को भी भेजता था। मेरा एक दोस्त PSIR ऑप्शनल का था, तो उससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाते थे कि पॉलिटिकल साइंस में और एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हैं और एक्स्ट्रा एज कैसे मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो पीयर लर्निंग वाली चीज़ होती है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि आप अपनी अपनी वीकनेस पे या जो आपका एरिया वीक है वहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं अपने दोस्तों की मदद से। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मेरे GS2 में 100 मार्क्स आए थे, बट नाउ आई हैव सिक्योर्ड 124। तो 100 से 124 तक का सफ़र मैंने काफ़ी प्रैक्टिस से अपने दोस्तों की मदद से और एक पीयर लर्निंग ग्रुप के माध्यम से कवर किया। मुझे लगता है अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आंसर स्क्रिबल करेंगे, तो रिजल्ट अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होता है, जो कि मेरे रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ। एक चैलेंज एस्पिरेंट्स के दिमाग में हमेशा आता है कि लक्ष्मीकांत को मेंस के लिए कैसे पढ़ें, तो मैं वो डिस्कस करता हूँ कि लक्ष्मीकांत को मेंस के लिए किस टाइप से पढ़ना है। हम लोग प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत सभी पढ़ते हैं, तो हमें बेसिक कॉन्टेंट याद रहता है, बट अगर हम मेंस का लक्ष्मीकांत का सिलेबस पॉलिटिकल का सिलेबस देखें तो उसमें स्पेसिफिक टर्म्स मैंशनड हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमको अब रादर देन चैप्टर ये टॉपिक्स पढ़ना है। अगर मैं सेपरेशन ऑफ पावर की बात करूं, तो मैंने उसको प्रिपेयर करने के लिए लक्ष्मीकांत से जहां जहां आर्टिकल्स मेंशन थे वो आर्टिकल्स याद कर लिए कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां हो रही है। मैंने कुछ फ्रेजेज भी याद किए जो फ्रेजेज मैं अपने आंसर्स में यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रीएम्बल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो उसमें मैं एक NA पालकी वाला जो एमिनेंट स्कॉलर रहे हैं मैं उन और ज्यूरिस्ट भी रहे हैं, तो मैं उनका एक फ्रेज कोट करता था। उन्होंने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। तो जो ऐसे कैची फ्रेसिस हैं या ऐसी लाइंस हैं जो हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं और एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो मैं यूज़ कर लेता था। तो जब आप मेंस के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ें, तो जो आपने बेसिक कॉन्टेंट पढ़ा है उसको सिलेबस के साथ मैच करके पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो सेंटर स्टेट रिलेशन में जो भी चैप्टर्स मेंशनड है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन PYQs में आ चुके हैं और क्या क्या क्वेश्चन सिलेबस के पार्ट से रिलेट हो रहे हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप लक्ष्मीकांत पढ़ें और फिर उसमें वैल्यू एडिशन कर लें। जो वैल्यू एडिशन सोर्स मैंने बताए हैं, मैंने अतीश माथुर सर की जो उनकी मेन्स स्पेसिफिक बुकलेट आती है वो फॉलो की थी,
उसके साथ वैल्यू एडिशन के लिए मैंने गवर्नेंस पार्ट के लिए सेकंड एआरसी भी यूज़ की थी, ओनली आईएस की बुकलेट यूज़ की थी फॉर लैंडमार्क जजमेंट्स, और उसके अलावा जो भी मुझे ऑनलाइन सोर्सेज मिलते थे मैं वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीख लेता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिप्लोमेटिक डिस्पैच आता है संसद टीवी पे, और संसद टीवी पे एक पर्सपेक्टिव करके काफ़ी डिबेट्स आती हैं, तो मैं रेगुलर उन्हें वॉच करता था और उससे जो एक कंटेंट मिलता है या जो स्कॉलरशिप पर्सपेक्टिव वहाँ से मिलता है वो मैं अपने आंसर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करता था। बिकॉज जब हम एक स्कॉलरी पर्सपेक्टिव या एक इंटेलेक्चुअल बात अपने आंसर्स में बोलते हैं तो उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है और एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपने जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी डेप्थ में पढ़ा है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर ड्यूरिंग द जर्नी नहीं लेना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ और अपने दोस्तों को भी कि लाइट लेना है, तो जब आपको लगे कि प्रेशर काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है या चीज़ें अनमैनेजेबल हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो जो आपके कंट्रोल में है वो आप उनको कंट्रोल करें, जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको लाइट ले लें क्योंकि वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एनीवेज उसके बारे में एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इस पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोनली ना रहें स्पेसिफिकली, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं संडे का जो टाइम है सेकेंड हाफ आधा दिन का मैं ब्रेक लेता था, वो मैं अपने दोस्तों के साथ जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ स्पेंड करता था। वो लोग वीकेंड्स पे घर आते थे तो मैं उनके साथ स्पेंड करता था, उनके साथ घूमने जाता था, गप्पे मारते थे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइवली रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि आप अपनी सोशल लाइफ से काफ़ी कट ऑफ हो जाते हैं, बट आप एक अगर लाइवली रहेंगे तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आई विश ऑल द बेस्ट कि जो भी सभी एस्पायरेंट हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और इस एग्जामिनेशन को एक लाइफ का पार्ट मान के ही दें, लाइफ मान के ना दें, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। थैंक यू डीकेटी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर।